हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं सैफ। इस वीडियो में हम देखेंगे एक सोशल मीडिया बैनर डिजाइन करना, जो कि हम डिजाइन करेंगे एक आइसक्रीम पार्लर के लिए। लेते एक न्यू डॉक्यूमेंट, जाते फाइल मेनू के अंदर, देन साइज हम यहां पे रखेंगे 1080 पिक्सल्स बाय 1080 पिक्सल। देन मैं रिजोल्यूशन यहाँ पे 120 पिक्सल्स रख देता हूँ और क्रिएट करते एक न्यू डॉक्यूमेंट। जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे मैंने कुछ एसेट्स लेके रखे हुए हैं, ऑलरेडी मैंने इनको PNG करा हुआ है। तो ये फाइल मैं आखिर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्रोजेक्ट फाइल दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इन प्रोजेक्ट फाइल को आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है। तो मैं यहाँ पे एक ग्रेडियंट क्रिएट करूँगा जो कि ग्रीन कलर में होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर ले लेता हूँ, थोड़ा सा लाइट एंड थोड़ा सा डार्क ग्रीन मैं यहाँ पे कलर ले लूँगा। ओके, तो ग्रेडियंट में जाके मैं यहाँ पे सिंपल सा एक ग्रेडियंट क्रिएट करता हूँ जो कि है रेडियल। ओके, देन मैं वो PNG जो है उसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ। मैंने कुछ पैटर्न्स यहाँ पे गूगल से डाउनलोड किए थे, उनको मैं यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर लेकर आता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा साइज सेट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। ये फाइल मैं आखिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना आप। इसको मैं सेट कर लेता हूँ, देन इसके ब्लेंडिंग मोड में जाके मैं यहाँ से ब्लेंडिंग मोड देख रहा हूँ, कौन सा सूट होगा आप उसके ऊपर आप रख सकते हैं। मुझे यहाँ पे सॉफ्ट लाइट के ऊपर ये ठीक लग रहा है, आप प्ले करिए, थोड़ा सा देखिए आपके हिसाब से आपको जो भी सूट कर रहा है आप यहाँ से रख सकते हो। ओपेसिटी मैं इसकी थोड़ी सी डाउन कर देता हूँ, मुझे 10% ओपेसिटी ठीक लग रही थी, मैंने यहाँ पे 10% ओपेसिटी ली है। ज़्यादा डार्क भी नहीं चाहिए मुझे, तो इसका मैं एक डुप्लीकेट अगेन बना लेता हूँ। देन मैं Ctrl+T करके इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा और फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसको आप आपके हिसाब से, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपके इमेजेस है, आप आपके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको सेंटर में रखना चाहूँगा। थोड़ा सा मैं ब्रश लेके इसके बैकग्राउंड में एक ग्लो क्रिएट करना चाहूँगा थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक नॉर्मल सा ब्रश ले लेता हूँ और न्यू लेयर लूँगा। कलर मैं पिक करूँगा थोड़ा सा लाइट कलर और इसके बैकग्राउंड में एक क्लिक करूँगा मैं, तो ये थोड़ा सा एक ग्लोइश इफ़ेक्ट आपको दिख रहा होगा, एक थोड़ी सी लाइट आ रही है। न्यू लेयर लेके यहाँ पे ऊपर से भी मैं एक थोड़ी सी लाइट क्रिएट कर दूँगा ताकि ये बैनर दिखने में और भी क्रिएटिव लगे और भी अच्छा लगे। आप आपके हिसाब से लाइट्स वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। ओके जी, ये ठीक लग रहा है। मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स के इमेजेस लिए हुए थे, उनको भी मैं यहाँ पे PNG कर दिया है। तो मैं इसको इसके बैकग्राउंड में, ध्यान रखना कि आपका जो ऑटो सिलेक्ट है वो आप आपके हिसाब से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब अगर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आप देखना, यहाँ पे मैं जब भी कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ तो ये ऑटो सिलेक्ट जो है ऑफ हो जा रहा है। तो ये छोटी छोटी टिप्स थोड़े से ध्यान में रखना क्योंकि काफ़ी यूज़ होते हैं आपके करियर के अंदर। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। इसके ऊपर मैं एक शेप भी लेकर रखूँगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड करना है। तो एक शेप इलिप्स टूल से मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, वाइट कलर इसका मैं रखूँगा। डिज़ाइन में आप आपके हिसाब से प्ले करिए। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऑलरेडी रखा हुआ है तो मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर दूंगा और साइज़ में इसका फॉन्ट में ले रहा हूँ इंटीग्रल। साइज़ में रखूँगा इसको एक्स्ट्रा बोल्ड और इटैलिक कर दूंगा। इसको मैं साइज सेट कर लेता हूँ, ये मुझे ठीक लग रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ठीक लग रहा है। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके मैं यहाँ पे इसको स्ट्रोक अप्लाई करूँगा जो कि डार्क ग्रीन कलर है, यहाँ पे मैं पिक कर दूंगा। ओके पे क्लिक कर दूंगा, अराउंड 3 पिक्सल्स यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। ओके, देन मैं ड्रॉप शैडो ऐड कर दूंगा थोड़ी सी, अराउंड 10 पिक्सल मैं यहाँ पे इसका साइज रख रहा हूँ। डिस्टेंस मैंने 7 रखा है और स्प्रेड मैंने 5 पिक्सल्स रखा, 5% रखा हुआ है। और एक चीज़, इसके ऊपर मैं एक ग्रेडियंट अप्लाई करूँगा जो कि थोड़ा सा ग्रेइश कलर में एक होगा, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। अगेन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ग्रेडियंट इसके अंदर मैंने कुछ अप्लाई किया है। तो ये जो लाइन आ रही है बीच में,
उसके लिए आपको क्या करना है, इस वाले ग्रेडियंट के अंदर एक यहाँ पे एक नोड होगा, उस नोड को आपको बिल्कुल सेंटर के अंदर ला के रख देना है। तब जाके ये एक लाइन से क्रिएट होगी, देन यहाँ पे प्रेस ओके कर दीजिएगा। कंट्रोल टी करके मैं इसको थोड़ा सा स्क्यू कर दूंगा। ओके, ये छोटी छोटी बातें मैंने टेक्स्ट इफेक्ट वाली ट्यूटोरियल के अंदर आपको बताई थी। अगर प्रीवियस वीडियो आप मेरे टेक्स्ट वीडियो के अगर देखे नहीं आपने तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लेना, मैंने उसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे टेक्स्ट इफेक्ट आपको बताए हुए, आपके बैनर्स में वो टेक्स्ट इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। देन मैं अगेन इसके ग्रेडियंट के ऊपर जाऊँगा और ग्रेडियंट का जो एंगल है वो मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैं 98, 97, ओके, यहाँ पे मुझे ये सेंटर में ठीक लग रहा है तो मैंने इसको सेंटर में रख दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह का इफेक्ट मैंने क्रिएट किया है, एक सिंपल सा इफेक्ट है। आप टेक्स्ट वाली वीडियोस देख लो मेरी, प्रीवियस वाली वीडियोस मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। स्पेशल वाला जो टेक्स्ट है मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, फॉन्ट में रखूँगा यहाँ पे ये वाला, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डाउनलोड कर देना वहाँ से, काफ़ी प्यारा लग रहा है। मैं इसको इसके बीच में रख दूंगा और थोड़ा सा इसको रोटेट कर दूंगा और कलर मैं इसका रखूंगा वाइट। ध्यान रखना कि एक ही कलर के अंदर या एक या दो कलर ज़्यादा यूज़ करना आप डिज़ाइन के अंदर। मुझे और एक टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं यहाँ पे सिंपल सा इसको कॉपी कर लूँगा और नीचे ड्रैग करूँगा, या आप कंट्रोल जे प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट से। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर दिया ऑल्ट प्रेस करके, तो ये कॉपी हो गया। इसके अंदर मैं लिखूँगा यहाँ पे कुल्फी, जो कि मैंने ले लिया था ऑलरेडी, मैं यहाँ पे टाइप करके बता रहा हूँ आपको। और इसके जो भी इफेक्ट है यहाँ पे, मैं सबसे पहले तो डबल क्लिक करके ब्लेंडिंग मोड में जाऊँगा, देन इसका स्ट्रोक मैं वाइट कर दूंगा, ग्रेडियंट इसका मैं हटा दूंगा पूरी तरह से, मुझे ग्रेडियंट की ज़रूरत नहीं है। देन ओके पे प्रेस करूँगा और इसका फील मैं यहाँ पे ऑफ कर दूंगा। ठीक है, अभी एक कूल इफेक्ट दिख रहा है आपको ऑलरेडी, तो सिंपली मैं इसको इस इमेज के पीछे ड्रॉ करने वाला हूँ। ओके, तो मैंने सिंपली इसको उठाया और क्लिक एंड ड्रैग करके मैंने कुल्फी के पीछे लेकर गया, कैंडीज के पीछे। तो ये इफेक्ट काफ़ी अच्छा लगता है, क्रिएटिव लगता है थोड़ा। मुझे यहाँ पे ये साइज़ परफेक्ट लग रहा है, थोड़ा सा मैं बड़ा करके देखता हूँ। प्ले करिए आपके हिसाब से, आप जो भी साइज़ आपको, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही है तो थोड़ा सा वहाँ पे रख कर देखिए कि एग्जैक्ट क्या चीज़ हो रही है। यहाँ पे इस शेप के ऊपर अगेन मैं वो वाला टेक्सचर जो है यहाँ पर लेकर आऊँगा, ये वाला टेक्सचर, और यहाँ पे सिंपली मैं क्लिपिंग मास्क करूँगा इसको, तो ये इसके अंदर चला जाएगा। इसको मैं सेट कर दूँगा, साइज़ इसकी आप सेट कर दो आपके हिसाब से, मैं मेरे हिसाब से सेट कर रहा हूँ यहाँ पे साइज़, मुझे इतने चाहिए। देन अगेन मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊँगा, यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड उसका सेट करूँगा, स्क्रीन लाइट एंड जो भी आपको यहाँ पे ठीक लग रहा है वो आप रख देना। मुझे हार्ड लाइट के ऊपर ठीक लग रहा है, मैं इसके ऊपर सिटी थोड़े से कम कर देता हूँ, तक मुझे ये ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए, जैसा पीछे ग्रीन वाले के ऊपर जैसा किया था अपन ने, उस तरह से मुझे ये चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे ठीक लग रही है। ओके, ऐसे और भी ट्यूटोरियल्स मैं लेकर आऊँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और प्लीज़ इसको शेयर कर देना आपके दोस्तों के साथ में, इस तरह की और भी वीडियोस मैं लेके आऊँगा। देन मैं यहाँ पे एक सर्कल ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, इसको मैं रखूँगा वाइट कलर के अंदर, शेप मैं थोड़ा सा इसका चेंज कर दूँगा। तो कंट्रोल टी प्रेस करके आपको राइट क्लिक करना है और आपको रैप में जाना है। तो आप ये जो नोड्स दिख रहे हैं इसको आप आपके हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं या फिर ड्रैग कर सकते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से बना दिया है, मैं इस वाले शेप को इन सभी लेयर्स के नीचे लेके जाने वाला हूँ। तो ये ड्राई फ्रूट्स के नीचे मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के नीचे ले लिया है और इसका मैं साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। ओके, और इसका कलर मैं डार्क ग्रीन कर देता हूँ, जो कि हमने थीम के अंदर यूज़ किया था। और अगेन मैं इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बना रहा हूँ नीचे साइड, मैं इसको कंट्रोल टी प्रेस करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दूंगा और थोड़ा सा इसको बाहर निकालूंगा और इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा, थोड़ा सा एक ग्रीनिश कलर ले लूँगा यहाँ पे,
डार्क रख सकते हैं, वाइट रख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे यहाँ पे एक कलर सूट कर रहा है तो मैंने यहाँ पे उस कलर को ले लिया। थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा दिखने में और भी कूल लगे। नीचे मैं इसको डाल देता हूँ ताकि बैकग्राउंड में जो टेक्सचर है हमारा वो भी इसके ऊपर आ जाए। ओके जी, तो यहाँ पे टेक्स्ट लिया हुआ था, उस टेक्स्ट को भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आप देखना कि मैं टेक्स्ट किस तरह से ऐड कर रहा हूँ। मैं इसको यहाँ पे सेंटर में लेकर आता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं टॉप में लेकर आऊँगा और कलर इसका मैं रखूँगा डार्क ग्रीन। और अगेन मैं इसको इंटीग्रल में रखूँगा, साइज और रेगुलर में लूँगा। इन मेनी फ्लेवर्स को मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँगा तो मैं सिंपली यहाँ पे इसका एक कॉपी बना लूँगा। ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको ड्रैग करूँगा माउस से नीचे और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा मेनी फ्लेवर्स को। और मेनी फ्लेवर्स का जो साइज़ है मैं थोड़ा सा हेवी रखूँगा ताकि दिखने में और भी कूल लगे। टाइपोग्राफी के ट्यूटोरियल्स काफ़ी है, आप देख सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगी आपको क्योंकि टाइपोग्राफी ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर एक मस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। काफ़ी इसके अंदर प्रैक्टिस की ज़रूरत भी होती है तो आप एक बार देख लेना। सिंपली मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्रश ऐड करूँगा एक थोड़ा सा इफेक्ट के लिए। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ब्रश डाउनलोड करके रखे हुए, कलर मैं इन कर लूँगा थोड़ा सा लाइट ग्रीन। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। ऐसे और भी ट्यूटोरियल्स मैं लेकर आने वाला हूँ अपने चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और मेरी प्रीवियस अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उनको जाके देखना, काफ़ी अच्छे टेक्स्ट इफेक्ट मैंने उन वीडियोज़ के अंदर बताए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।